नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 मई सोमवार दोपहर 3 बजे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। हनुमानगढ़ जिले के गांव भिरानी निवासी अहमद की पत्नी चार्या ने अपने 2 मासूम पुत्रियों की हत्या के बाद स्वयं भी आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना हरियाणा के हिसार के गांव खेदड़ के पावड़ा मार्ग पर झुग्गियों में रविवार को प्रकाश में आई। मिली जानकारी में बताया गया है कि अहमद की 2 पुत्रियां 3 साल की ममता और 1 साल की किरण ने खेलते हुए आटे में मिट्टी मिला दी। इससे आक्रोशित होकर चार्या ने अपनी 2 पुत्रियों का गला काट दिया और फिर स्वयं भी आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी अभी बेहोश है, होश में आने के बाद उसके बयानों को दर्ज किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महावीर सिंह ने आज साधुशहर पंचायत समिति भवन में ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने जनता जल योजना के प्रति ग्राम विकास अधिकारियों की अरुचि पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को आदेशित किया कि विभिन्न योजनाओं में पर्याप्त कम से कम 50% राशि जनता जल योजना को मजबूत करने में खर्च की जाए। श्री गंगानगर जिले की रावला थाना पुलिस ने भाई की हत्या के आरोप में जाकिर नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान हसन के रूप में हुई थी। एसआई धर्मपाल ने बताया कि जाकिर पर आरोप है कि शनिवार को झगड़े के दौरान उसने अपने भाई हसन के सिर पर तेज धार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले को 302 में दर्ज किया गया, उसको दोपहर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। श्री गंगानगर में सोमवार को सिर्फ जयपुर के लिए बस सेवा का संचालन हो पाया। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बस सेवा आरंभ करने की घोषणा रोडवेज मुख्यालय की ओर से की गई थी, किंतु यह बस आरंभ नहीं हो पाई है। वहीं श्री गंगानगर जिले में विभिन्न तहसील मुख्यालयों पर चलने वाली बस भी पदमपुर तक सीमित होकर रह गई है। इसका फेरा श्री गंगानगर तक नहीं बढ़ाया गया है। श्री गंगानगर जिले के घरसाना इलाके में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि साहबराम निवासी घरसाना ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया है कि उसका भाई जगदीश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मानसिक रूप से परेशान था। थाना प्रभारी ने बताया कि शव का आज दोपहर बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। श्री गंगानगर में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई और मुस्लिम भाइयों ने अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे को फोन पर ईद पर्व की बधाई दी और देश व क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। ईदगाह पर पुलिस ने आज काफी सतर्कता बरती हुई थी और पुलिस ने उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 DOL निवासी मदनलाल का डिग्गी में शव मिला है। आज सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के भाई कालूराम की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इसका भाई मानसिक रूप से परेशान रहता था। श्री गंगानगर के बसंती चौक क्षेत्र में सोमवार को भी कर्फ्यू जारी रहा। पुलिस के कर्मचारी लगातार क्षेत्र में ड्यूटी पर रहते हुए गश्त कर रहे हैं। वहीं अनेक कर्मचारियों की वहां स्थायी ड्यूटी लगा दी गई है। CMHO का कहना है कि रैंडम सैंपलिंग के साथ साथ क्षेत्र के लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में चाकू के हमले से घायल हुई महिला सिंगारा देवी ने 20 दिन तक मौत से संघर्ष करने के बाद आखिर में हार मान ली। उसकी मौत के बाद मामले को हत्या के आरोप में तब्दील कर दिया गया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बीवी इलाज के दौरान सिंगारा देवी की मौत हो गई। मृतका के पुत्र कादर सिंह ने पप्पू नायक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि पप्पू सूरतगढ़ से किसी और को लेकर अपने घर आया था। उसकी मां सिंगारा देवी ने स्वास्थ्य विभाग को शिकायत कर दी थी। इससे वह औरत पप्पू को छोड़कर चली गई थी। इस कारण पप्पू उसकी मां से रंजिश रखने लग गया। इसी रंजिश को लेकर चाकुओं से उसकी मां पर हमला कर दिया था। थाना प्रभारी ने बताया कि पप्पू सिंह को राउंडअप कर लिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के खुइया थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने के बाद विवाद गहरा गया। युवक के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए अनेक जनों के खिलाफ पुलिस थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मृतक की पहचान शिव नारायण के रूप में हुई है। थाना अधिकारी JP कड़वासरा का कहना है कि इस मामले में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। गोल मशीन के नाम से मशहूर हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर का आज सोमवार सुबह निधन हो गया। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका।
सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत के चलते उन्हें 8 मई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर का अंतिम संस्कार सोमवार शाम 5:30 बजे सेक्टर 25 के शमशान घाट में पंजाब के बटाला के नजदीकी गांव कुल्लियों में गत रात दो पार्टी नेताओं में हुए विवाद के चलते फायरिंग में एक नेता की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना सदर के SHO सुखराज सिंह ने बताया कि गत रात करीब 7:45 बजे कांग्रेस पार्टी से संबंधित एडवोकेट गुरदीप सिंह निवासी गांव कुल्लिया गांव का छप्पर दबा रहा था। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले मनजोत सिंह, लवदीप सिंह और अर्शदीप सिंह, जो कि शिरोमणि अकाली दल से संबंधित हैं, ने मौके पर पहुंचकर एडवोकेट गुरदीप सिंह को ऐसा करने से रोका तो गुरदीप सिंह ने झगड़ा करके अपने रिवॉल्वर से फायर करते हुए 4-5 गोलियां चला दी, जिसके साथ मनजोत सिंह, लवदीप सिंह और अर्शदीप सिंह गंभीर घायल हो गए। पंजाब के लुधियाना में कर्फ्यू के शुरुआती दौर में पंजाब के जरूरतमंद लोगों को बांटे गए राशन के पैकेट पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर को लेकर विरोधी दलों द्वारा की गई आलोचना के मद्देनजर कांग्रेस सरकार पीछे हट गई है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन के चौथे पड़ाव में आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए जो मदद भेजी जाएगी उसमें पंजाब की तरफ से हिस्सा डालने के बावजूद राशन के पैकेट पर अब कैप्टन की तस्वीर नहीं लगेगी, बल्कि इसकी जगह पैकेट पर पंजाब सरकार का लोगो लगाया जाएगा और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, सामाजिक दूरी रखने और हाथ धोने का संदेश भी दिया जाएगा। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब कोटकपुरा रोड पर गत रात हुए दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव थांदेवाल का रहने वाला लखविंदर सिंह और उसकी पत्नी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुक्तसर साहिब से अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही पति पत्नी ने दम तोड़ दिया। फिलहाल कार सवार मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.